हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसका कौन सा व्यंजन आरेख बनेगा, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न ये देखिए कह रहा है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे कि गाय का संबंध लिखा है बछड़ा, तो उसी प्रकार से शेरनी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 399 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GDCSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि गाय का संबंध जिस प्रकार से बछड़ा है, तो उसी प्रकार से शेरनी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से गाय के बच्चे का नाम, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि गाय के बच्चे का नाम, यानी गाय का जो बच्चा होता है दोस्तों, यानी कि बच्चे का नाम क्या है, तो गाय के बच्चे का नाम हम लोगों का बछड़ा है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि शेरनी के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, तो शेरनी के बच्चे को सावक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, जिस प्रकार से गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बछड़ा, तो उसी प्रकार से शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाता है, सावक कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करें, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने A, उसके बाद B, D, और यहाँ पर G, और इस जगह पर K, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर तरीका कि A से यदि आप B पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर जुड़े हैं, तो एक लेटर का। उसी प्रकार से B से यदि D पर जाएंगे तो +2, उसी प्रकार से D से यदि G पर जाएंगे तो यहाँ पर +3, उसी प्रकार से G से यदि K पर जाएंगे तो +4, उसी प्रकार से हम लोगों का K पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, 5 करना होगा। तो जैसे ही इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी सब में देखिए पहले एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, फिर 5 लेटर, फिर देवा, काफी रिपीटेड कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए मोस्ट रिपीटेड, यहाँ पर है पशु, कुत्ता, बिल्ली, इसका कौन सा व्यंजन आरेख बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं, जरूर आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा हम लोगों का कुत्ता, तो उसके बाद इसके बगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्ली, इसको यहाँ पर कर लेंगे बिल्ली, तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत में चले जाएंगे, तो पशु के अंतर्गत चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों का कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सभी हम लोगों का क्या है, पशु है, और दोनों अलग अलग पशु है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफ़ी रिपीटेड काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, मिसिंग नंबर के सवालों को करने का क्या तरीका है, जो बड़ा नंबर रहेगा आप उसी पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर 25 है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है,
तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, दो तरीके से, कभी कभी ऐसे चल सकते हैं या कभी आप इधर से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोगों के सामने ईस्ट साइड से चला है। आखिर तीन और चार को ऐसा क्या करें, जोड़ने के बाद 25 हो जाएगा, गुना करने के बाद, घटाने के बाद, स्क्वायर करके जोड़ दें या क्यूब करके जोड़ दें, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो चलिए हमने सोच लिया है कि आखिर आप कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप सीधा सा तीन का स्क्वायर कर देंगे और चार का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर यहाँ पर 16, और दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वही 25 लिखा है, तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से चल देते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है यानी 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो देखिए 9 4 13, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 113, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, तो 113 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे तो फिगर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोगों का फिगर किस प्रकार से होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से होगा और उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और इसमें आ जाएगा और एक रेखा बीच में इस प्रकार से आएगा और वहाँ पर अंदर में देखा जाए कैसा आकृति बनेगा हम लोगों के सामने। तो इसको जब पूरा कीजिएगा तो इधर से इस प्रकार से होगा। तो देखिए ऐसा आकृति हम लोगों का किस ऑप्शन में दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर देखा जहाँ, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप समझ गए होंगे कि ये वाला फिगर जैसे ही आप इस जगह पर रख देंगे तो डायग्राम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यानी फिगर पूरे तरीके से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है, इसमें बताना है दोस्तों कि इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है, यानी कि हम लोगों का काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं, वर्ग हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें सभी भुजा हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें जिसमें सब भुजा बराबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है, उसी के बगल में ये देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो एक वर्ग बन रहा है, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, बस आप ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एक वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ पर बन रहा है, उसी प्रकार से जस्ट नीचे एक वर्ग यहाँ पर, तो टोटल इस प्रकार से किए तो एक हो गया, ये हम लोगों का दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया, चौथा हो गया, और इन सभी को मिलाकर एक वर्ग बन रहा है, यानी यहाँ से यदि आप इसको पूरा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितना वर्ग है, 5 वर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई 7 तो कोई 6 ऐसे कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया, जो लूडो को टीम आप देखते हैं दोस्तों, कर रहा है एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसमें बताना है कि आखिर अगर एक ऊपर जाएगा तो उसमें गोटी में यानी कि हम लोगों का नीचे क्या आएगा, तो वही बात बताना, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों पासा में कॉमन क्या है, तो कॉमन यानी कि जो दोनों मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो ठीक है, यानी कि पहला पासा, उसके बाद इस जगह लिख दिए दूसरा पासा। अब क्या करेंगे, जहाँ से मिला उसी जगह से आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है, यानी यहाँ से क्या करना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो देखिए पहला पासा में जैसे घूमेंगे तो 3 के बाद वहाँ पर 1 हो जाएगा, दोनों में पहले 3 3 लिख लीजिए, देखिए इसमें भी 3, इसमें भी, क्योंकि कॉमन मिला, उसके बाद देखिए 3 के बाद उसमें आ रहा है 1, उसके बाद उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, यानी पहला वाला पासा में देखिए घूम रहे तो 1 आया, फिर हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से इसमें जब घूमेंगे तो 3 के बाद देखिए हम लोगों का घूम रहे तो क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बस सब में कोमा लगा दीजिए, इस प्रकार से क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा था, एक के विपरीत, तो देखिए हम लोगों के सामने एक के विपरीत क्या आ गया दोस्तों,
चार आ गया। यहाँ पर देखिए एक यदि ऊपर है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि एक ऊपर है तो उसके नीचे चार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, आठवां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले की कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए करके दिखाइए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि n बराबर एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम होगा। तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए बड़े भुजा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि बड़े घन की भुजा, यानी बड़े घन की क्या दोस्तों, भुजा। और नीचे क्या लिखेंगे, बड़े घन की भुजा, और नीचे लिखेंगे दोस्तों छोटे घन की भुजा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे घन की भुजा। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर दिया, बस ये देखिए एन बराबर हम लोगों के सामने जो दिया है, तो बड़ा भुजा इसमें क्या है तो 6, उसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इसको जैसे ही कटाएंगे तो एन बराबर हम लोगों के सामने कितना निकल जाएगा, ये देखिए इसको कटा देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एन बराबर 3 आया तो हम लोगों के सामने कितने घन बनाए जा सकते, कभी भी एन बराबर जब निकल गया तो बस एन का क्यूब कर दीजिए, यानी एन बराबर क्या करेंगे दोस्तों 3 का आपको क्यूब कर देना, क्योंकि घन निकालना है तो घन निकालना इसका क्यूब कर देंगे। तो यानी कि एन बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका हमेशा याद रखेंगे कि एन बराबर बड़े घन की भुजा और बट्टे में छोटे घन की भुजा। बड़ा घन यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 6, और उसके कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के एक घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न रहेगा तो आपको इसी लॉजिक पे चलना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, जो डैश 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 दिया है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इस तरीके के यानी कि अनुक्रम वाले दोस्तों श्रृंखला को कैसे करते हैं, तो करना कुछ नहीं होता है। ये देखिए जैसे R दिया गया है तो यहाँ पर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं जगह है, तो जैसे R पहले उसी को उतारेंगे, R उसके बाद S E डैश O S डैश R O डैश उसके बाद E और R और डैश उसके बाद S और E है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको काउंट करना है कितना लेटर और डैश है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 को है तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 × 8 में तोड़ सकते हैं या 4 × 4 में तोड़ सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप 2-2 लेकर चल दीजिए, इसमें क्या कर लीजिए 2-2 को कट का निशान लगा दीजिए इस प्रकार से, जहाँ जहाँ 2 आ रहा है उस जगह पर आप कट का निशान लगा दीजिए और एक लॉजिक लगाइए क्या हम लोगों का सीरीज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए अगर आर के बाद यहाँ पर ओ डाल दिया जाए तो आर ओ एस ई उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे आर ओ, और यहाँ पर कर देंगे एस ई उसी प्रकार से आर ओ, यहाँ पर डाल देंगे एस ई, यहाँ पर हो जाएगा आर ओ एस ई। तो देखिए एक सीरीज बन गया आर ओ एस ई आर ओ एस ई। तो आप क्या क्या डाले, ओ डाले आर डाले उसके बाद हम लोगों के सामने ई डाले फिर एस डाले और ओ डाले। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का ओ से स्टार्ट होना चाहिए, ओ उसके बाद आर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपका 2-2 लेने से नहीं बनता तो आप इसमें क्या कर सकते थे, अगर आप ऐसे इस श्रृंखला को नहीं तोड़ेंगे तो भी अलग तरीके से भी तोड़ेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यदि हम इसको 4-4 लेकर भी तोड़ेंगे तो भी हम लोगों का श्रृंखला का सीरीज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए 4 उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तो 4, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तोड़ देंगे दोस्तों इस जगह पर 4 और यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आर ओ एस ई उसी प्रकार से आर ओ एस ई उसी प्रकार से आर ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एस ई उसी प्रकार से देखिए आर ओ एस ई। तो ऐसे भी करेंगे तो भी सीरीज बन रहा है, तो आप क्या क्या डालिए देखिए ओ आर उसके बाद हम लोगों के सामने ई उसके बाद एस ओ। तो किसी भी तरीके से आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। 2 लेके कीजिए, 4 लेके कीजिए, नहीं हो रहा 8 लेके कीजिए, किसी भी तरीके से तोड़िए लेकिन आपका एक सीरीज बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है कि कुमार को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि शंकर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले जैसे के है, यू है, उसके बाद एम ए आर, तो इसका कोड हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है दोस्तों, जे है,
टी है, एल है, जेड और क्यू दिया गया है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका पूछा जा रहा है, एस ए एन उसके बाद के ए आर। तो देखिए इसका निकालना यानी संकर का, तो देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि के से यदि इस पे आ रहा है, यू से टी पे आ रहा है, एम से एल पे, ए से जेड पे, आर से क्यू पे, कितना लेटर का वृद्धि क्या है, कमी क्या है, या वृद्धि कमी दोनों क्या है, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि के से जे पे जाएंगे दोस्तों तो ए बी सी डी में एक लेटर का कमी, यू से टी पे जाएंगे तो एक लेटर का कमी, यहाँ भी एक लेटर का कमी, इसमें भी एक लेटर का कमी, इसमें भी एक लेटर, सब में आपको क्या करना है, एक एक लेटर का कमी कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सब में एक एक लेटर क्या कर दीजिए दोस्तों, कमी कर दीजिए। तो देखिए एस में जैसे ही एक लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ए में जैसे ही एक लीटर कमी कर देंगे तो कहाँ चल जाएगा, जेड पे चला जाएगा। एन में जैसे ही एक लीटर करेंगे तो एम, के में करेंगे तो जे, ए में करेंगे तो जेड, और उसी प्रकार से आर में एक लीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो चलिए कहाँ पर मिल रहा आर, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, जेड। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं आर जेड है, इसमें भी आर जेड नहीं, पहले ही इसको हटा लीजिए ना, तो फिर कन्फ्यूजन कि अब आर जेड उसके बाद एम उसके बाद हम लोगों के सामने जे उसके बाद जेड क्यों। हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सारा चीज़ हम लोगों का मिल गया है कि आर है, उसके बाद जेड, एम, जे, जेड, क्यू, दो बार देखिए जेड है तो इसमें भी दो बार जेड है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है, तो चलिए इसमें से कौन सा एक अलग है, इन चारों में से एक अलग है। तो कैसे इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, ये देखिए आप पहले एक बार सोचेंगे कि यहाँ पर कैसे करने से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए एक बात बता देते हैं, जिस प्रकार से दिया है देखिए, अगर यहाँ से तीन से यदि 15 पर जाएंगे तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, पाँच हो जाएगा, लॉजिक को देखिए। उसी प्रकार से 13 से 52 पे जाएंगे तो गुना चार करना होगा, 20 से यदि 100 पे जाएंगे तो इसमें भी गुना पाँच किया है, 18 से 90 पे जाएंगे तो गुना पाँच। तो देखिए सब में उसने गुना पाँच, गुना पाँच, गुना पाँच, लेकिन इसमें उसने क्या कर दिया है, एक अलग कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने गुना इसमें चार कर दिया, बाकी सभी में पाँच किया, लेकिन 13 तीन से पाँच पे जाएंगे तो गुना पाँच कर दिया, 20 से 100 पे जाएंगे तो गुना पाँच, उसी प्रकार से 18 से 90 पे जाएंगे गुना पाँच, लेकिन ऑप्शन नंबर जैसे ही सी में देखेंगे तो उसने गुना चार कर दिया है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा अलग। भिन्न का मतलब ये होता है एक अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है मुकेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बताइए वह अब मुकेश किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है एक छोटे से जगह पर पूर्व, उसके बाद इस साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने पश्चिम, ऊपर में हो जाएगा दोस्तों उत्तर, और नीचे हो जाएगा हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें तीर का निशान सबसे पहले लगा देना है कि पूरब हम लोग इधर लिए, पश्चिम इधर लिए, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, अगर मुकेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, देखिए यहाँ से अगर पूर्व की ओर गया, इस जगह पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था कि पूर्व के जाने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, देखिए दाईं ओर मुड़ दिया, यहाँ पर बोला है कि पूर्व के बाद दाईं ओर मुड़ता है, कह रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, देखिए अगर इधर आ रहा था तो फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अब बाईं ओर मुड़ेगा यानी किधर आ जाएगा दोस्तों, ये साइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड में बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा था, नीचे जो इधर आ रहा है दोस्तों कौन सा दिशा हो जाएगा, तो हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा बात को आप समझ लीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, देखिए मुकेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूरब आपका यहाँ पर देखिए ना किधर है, इस साइड में पूरब है, तो वही तो काम किया, इधर से पूरब गए, उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब जाएंगे तो दाईं ओर इस साइड मुड़ेंगे, फिर से उसने कहा कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, इधर आएंगे तो दायां कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद वह फिर से क्या कहा है दोस्तों कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो हम लोगों का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में बायां हो जाएगा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए कह रहा है कि अजय ने अपने पुत्र यानी मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए उस औरत का अजय से क्या संबंध है। तो चलिए आपको बताते हैं, यानी संबंध वाले प्रश्न रक्त संबंध वाले कैसे करते हैं,
तो यहाँ पर सीधा सा सवाल आ जाए दोस्तों अजय, तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों अजय को लिख लिया जाए, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने अजय। तो कह रहा है कि अजय ने अपने पुत्र, यानी इसका एक पुत्र है, तो पुत्र का नाम क्या है दोस्तों मोहन। तो देखिए पुत्र रहेगा तो आपसे छोटा होगा तो उसको नीचे लिख देना, ठीक है। वही कह रहा है अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, एक औरत से कह रहा है दोस्तों कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी दोस्तों, तो यहाँ पर मोहन के लिए आया है, तो यानी मोहन की जो माँ है इस जगह पर क्या हो जाएगा, यानी वही कह रहा है उसकी माँ, तो उसकी किसके लिए है मोहन के लिए, उसकी माँ जो है तुम्हारी, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी तुम्हारी अब किसके लिए आया दोस्तों, यही माँ जो है इस औरत के लिए, यहाँ पर यही औरत हो जाएगा स्वयं अपने ओर ले रही है, बेसिक बात को समझिए, यही क्या हो जाएगा दोस्तों औरत हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए आप लाइन को पढ़िए और करते चलिए बिल्कुल हो जाएगा। तो वह कह रहे उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ, यानी इसकी जो है दोस्तों औरत की माँ, यानी इसकी क्या हो जाएगा एकलौती पुत्री, इस जगह पर माँ कर लेंगे और इसकी एकलौती पुत्री यानी खुद स्वयं हो जाएगा, यानी यही दोस्तों यही औरत क्या हो जाएगा स्वयं हो जाएगा। सिंपल सा बात कर रहा है कि तुम्हारी जो माँ है यानी उसकी माँ, तो उसकी यानी कि हम लोगों का किसके लिए आया, तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि औरत के लिए करा, उसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्र। अब बताइए औरत अजय का कौन हो जाएगा, तो औरत अजय का कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि औरत जो है हम लोगों का अजय का क्या निकल जाएगा, पत्नी निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों अजय लिखेंगे, इतना सा बात आप समझ गए कि यहाँ पर अजय ने अपने पुत्र मोहन, तो अजय का एक पुत्र का नाम क्या है दोस्तों मोहन, तो इस जगह पर आपने मोहन लिख लिया। तो कह रहे हैं एक तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ, उसकी किसके लिए आया है, यहाँ पर उसकी जो है हम लोगों का ये मोहन कर, मोहन के लिए कर रहा है, उसकी जो माँ है, तो इस जगह पर उसकी माँ कर लिए, यानी उसकी जो माँ है कह रहा है कि तुम्हारी, अब देखिए उसकी जो माँ है तुम्हारी, तो तुम्हारी यानी कि यही कौन हो जाएगा दोस्तों औरत हो जाएगा, यही औरत, औरत अपने ऊपर ले रही है, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा औरत हो जाएगा। तो उसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की, यानी कि तुम्हारी माँ इसकी क्या दोस्तों माँ की इकलौती पुत्री है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री हो जाएगा। ये बात यहाँ पर दिया है, अच्छे से समझिए तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे और सवाल गलत हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय देकर आपको समझा रहे हैं, दो बार हम समझा दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन, उसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है, तो देखिए खुद यही एकलौती एक के को उसको पुत्री है, तो बताइए औरत अजय का कौन हो जाएगा, तो यही औरत अजय का कौन लगेगा दोस्तों, पत्नी लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर दें दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है, तो कह रहा है कि गुना का अर्थ, इस जगह पर क्या कहा है कि गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भाग, यानी जहां गुना दिखेगा वहां पर भाग, माइनस का अर्थ हम लोगों के सामने कह रहा है कि गुना है, ये बात यहां पर लिखा है, देखिए यहां उसके बाद यहां उसके बाद फिर कह रहा है कि भाग का अर्थ है प्लस, यानी जहां कहीं हम लोगों के सामने भाग दिखेगा उस जगह पर आपको प्लस लेना है और प्लस का अर्थ है माइनस, ये बात यहाँ पर दे दिया। अब सवाल को उठा लीजिए, जो सवाल दिया आपके सामने यानी कि तीन है उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह लेने के लिए क्वेश्चन में कहा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, उसके बाद है भाग, तो भाग के जगह पर कहा है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और ब्रैकेट क्या कर देंगे दोस्तों बंद, फिर गुना, तो गुना का अर्थ उसने कहा है भाग लेने के लिए 8 और प्लस के सामने है दोस्तों माइनस, तो उसने क्वेश्चन में कहा था, इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर निकल जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ये देखिए 15 गुना 3 करेंगे तो 45, उसके बाद 11 एक स्टेप और कर देते हैं और भागा इधर हो जाएगा 8, हम माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो देखिए 45 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 56 हो जाएगा और भागा इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 और माइनस क्या हो जाएगा 6, तो चलिए बस एक स्टेप और कीजिएगा हो गया आंसर, तो 56 में 8 से भागा देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 × 56 और माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 7 × 6 हो जाएगा, तो 1 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले सवालों को कैसे करते हैं।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम, चलिए अब बताना कि इनमें से कौन सा अलग है। जैसे यहाँ पर कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, स्कूटर है, तो इसमें एक लॉजिक लगाना कि इनमें से कौन सा एक अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक क्या है दोस्तों अलग है, यानी कि भिन्न है। भिन्न रहे, विषम रहे, इस सभी का मतलब एक ही होता है कि इनमें से एक अलग है। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, ये सभी यहां पर लिख देते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ईंधन से चलते हैं। ये सभी क्या है, यानी कि ये सभी ईंधन से चलते हैं, यानी कि ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ईंधन से चलते हैं। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइकिल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साइकिल में कोई ईंधन का प्रयोग नहीं, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो ये सभी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होता है, लेकिन साइकिल को चलाने के लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होता, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्ण वाला क्रम में सजाए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के अंत में आता है। अंत यानी कहने का मतलब उसका साफ साफ सीधा सा सवाल है कि इसको डिक्शनरी में रखना है, कि डिक्शनरी में पहले ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, कौन सा शब्द पहले इसमें आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में पहले कौन वाला रखते हैं, ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से हम लोगों के सामने जेड तक रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। देखिए इसमें एच आ रहा है, इसमें भी एच, इसमें भी एच, इसमें भी एच, तो एच से कोई मतलब नहीं, एच के बाद चेक करना है कि कौन अब ए बी सी डी में पहले आएगा। तो इसमें देखिए ई आ गया, इसमें क्या आया दोस्तों, ए आ गया, इसमें ई आ गया, इसमें हम लोगों के सामने ओ आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, ए वाला आएगा, यानी फर्स्ट वाला स्थान पे ये आएगा, ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरा स्थान पर कौन आएगा, तो देखिए हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन और ए नंबर ऑप्शन में देखिए ई आ रहा है, ई के बाद देख रहे हैं इसमें सी आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, तो पहले हम लोगों का सी वाला आएगा, यानी ये बात तो क्लियर हो गया हम लोगों के सामने, दूसरे नंबर पर ये जाएगा। तो ठीक है, जब दूसरे नंबर ई के बाद इसमें एस आया तो ये चल जाएगा हम लोगों का तीसरे नंबर पर, और ये वाला आ जाएगा दोस्तों चौथे नंबर पर। तो वही कह रहा है कि अंत में कौन आया, तो अंत में कौन आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आपको करना कुछ नहीं होता, जो वर्ड आपके सामने देखिए, जैसे कि जो लेटर कॉमन एच एच सब में दिया है, वही अगर शब्दकोश के अंत में यानी डिक्शनरी के सबसे आखिरी पेज में कौन सा वर्ड इसमें रखा जाएगा, इस तरीके करने, एच कॉमन आ गया तो उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, तो यहाँ पर ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, ई, तो पहले ए वाला आएगा, तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए ए नंबर और सी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि एच के बाद ई है, एच के बाद ई के बाद देख रहे हैं इसमें सी और एस, तो पहले सी वाला आएगा, तो ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर पर, और ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो यही कह रहा है अंत में कौन आया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए बताइए देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट तरीका, कह रहा है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन पांच नदियां हैं, तो गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है, और सरस्वती कह रहा है कि सबसे बड़ी नदी है, यदि कोसी यमुना के कुछ से कुछ छोटी है, तो परंतु कह रहा है कि परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी कौन है। तो चलिए देखिए अब इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुका है कि सरस्वती हम लोगों का सबसे बड़ी है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लिख लीजिए सरस्वती, क्यों, क्योंकि सरस्वती हम लोगों के सामने सबसे बड़ी है, तो इसको कर लिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि कोसी जो है यमुना से छोटी है परंतु गंगा से बड़ी है, यहाँ तो सरस्वती सबसे बड़ी हो चुका है, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ से शुरू से कीजिए, कह रहा है कि गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो यानी कि ठीक है गंगा जो है यमुना की अपेक्षा क्या है दोस्तों, छोटी है, और यदि कोसी यमुना से छोटी है परंतु गंगा से, तो इस तरीके से यहाँ पर घबराना नहीं है, देखिए गंगा जो है दोस्तों यमुना से छोटी है, तो इस जगह पर लिख लिया जाए क्या दोस्तों, गंगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाए दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा गंगा, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने गंगा, कह रहा है कि गंगा जो है यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यमुना लिखा जाएगा। पहले देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, इस जगह पर हो जाएगा यमुना, यानी गंगा जो है यमुना की
अपेक्षा क्या है दोस्तों, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, परंतु फिर कहा है कि सोन से बड़ी है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, परंतु सोन से बड़ी है और सरस्वती हम लोगों का सबसे बड़ी है। फिर आगे कर रहा है यदि कोसी जो है यमुना के कुछ छोटे, यानी कोसी जो है दोस्तों यमुना की कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों के सामने जो बड़ी है यानी सरस्वती, यहाँ पर बोला है दोस्तों सबसे बड़ी है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए एक लॉजिक लगा दिए कि इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, सरस्वती, क्योंकि सबसे बड़ी है तो उसको क्या करना होगा, सबसे ऊपर हम लोगों को लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सरस्वती को लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हम लोगों का वही आया, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से करना होगा, यानी सरस्वती क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी। अब देखिए अब एकदम हो जाएगा, घबराना नहीं है, सरस्वती सबसे बड़ी है। कह रहा है कि हम लोगों के सामने अब इससे रिलेटेड देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, यदि कोसी जो है यमुना से छोटी है परंतु गंगा से बड़ी है, सबसे छोटी नदी कौन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा, यानी कि आखिर सबसे छोटा नदी हम लोगों के सामने कौन सा होगा। तो यहाँ पर सरस्वती, यदि कोसी जो है हम लोगों के सामने कह रहा है कि यमुना से क्या है दोस्तों, छोटी है। तो इस जगह पर इधर अभी कर देते हैं, इस जगह पर यदि हम लोग कोसी को लिख दिया जाए, यानी कि इस जगह पर कोसी लिख दिया जाए, कह रहा है कोसी जो है यमुना से कुछ छोटी है, यानी कोसी क्या हो जाएगा दोस्तों, यमुना से। तो हाँ यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि कोसी यहाँ पर लिख देंगे और इस जगह पर लिख देंगे यमुना, तभी तो होगा, यानी कि यमुना से क्या है दोस्तों, छोटी है। यानी कह रहा है कोसी जो है यमुना से छोटी है, तो हो गया यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है, परंतु गंगा से कुछ बड़ी है। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, गंगा लिख देंगे। ये देखिए एकदम हो गया। तो हम लोगों का पांच नदी में से चार नदी तो हम लोग बैठा दिए, तो अब एक नदी हम लोगों के सामने बचा था सोन, तो नीचे बैठ जाएगा कौन दोस्तों, सोन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा, सोन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सबसे अंत में कौन आया दोस्तों, सोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देखिए पांच नदी में यहाँ पर लिखा है कि गंगा जो है यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो गंगा जो है यमुना, एकदम हम लोगों का लॉजिक बैठ गया कि गंगा जो है देखिए यमुना की अपेक्षा क्या दोस्तों, कह रहा है कि छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। ये भी बात बोल दिया है कि सोन से क्या है दोस्तों, बड़ी है। यहाँ पर बोला है कि परंतु सोन से बड़ी है और सरस्वती सबसे बड़ी नदी है। अच्छे से पढ़ते चलिए और करते चलिए, तो एकदम बिल्कुल हो जाएगा, अंत में कौन आएगा दोस्तों, सोन आएगा। इस प्रश्न का आंसर सोन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।